अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। प्राइम 80 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। थाना रामघाट पुलिस के द्वारा हिस्ट्री सीटर बदमाश के बीच में UPSIDC क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के दौरान HC बदमाश अजरुद्दीन उर्फ बब्बा के पैर में गोली लगने से घायल हुआ। घायल बदमाश को गिरफ्तार करने के बाद उपचार के लिए जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। बब्बा थाना सागर आगरा से गैंगस्टर एक्ट में भी चल रहा है वांछित। पुलिस इस बदमाश की क्राइम कुंडली खंगालने में जुटी। वहीं उपस्थित CO कमलेश कुमार के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि रामगढ़ पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी, उसी बीच में एक व्यक्ति को रोकने की कोशिश की गई। उसी दरमियान उसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाब में पुलिस के द्वारा की गई फायरिंग में एक गोली स्ट्रीट शीटर के पैर में जा लगी। जी सर, अभी मुठभेड़ हुई है, किस तरह की और कहाँ हुई सर? देखिए, यहाँ पे जो है थाना रामगढ़ पुलिस द्वारा जो है चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान जो है एक व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया। उस व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया और पुलिस पार्टी पे ही फायर कर दिया। इसी के क्रम में जो है उसके पुलिस द्वारा फायरिंग में गोली लगी है। और ये व्यक्ति जो है सागंज थाना आगरा का वांछित है, गैंगस्टर का, और यहाँ रामगढ़ का जो है HS है। इसका नाम जो है अजमेरुद्दीन है। ये अम्बे नगर गली नंबर 2 का रहने वाला है। और इस मुठभेड़ के बाद इसमें जो है इसको अभी हॉस्पिटल भिजवाया गया है। आगे की जो है विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है।